Hello students and welcome to your economics learning classes. Class 12th, today we will discuss the topic consumption function. जैसे कि आपको पता है हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। कल हमने एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग कर लिया था, क्या उसके कंपोनेंट होते हैं, क्या उसका कंसेप्ट होता है, किस तरह हम उसका डायग्राम बनाते हैं और किस तरह हम उसका शेड्यूल बनाते हैं। आई होप आपको वो सब टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को भी कोई भी टॉपिक में उसमें प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे राइट कर देना। आज हम पढ़ेंगे कंजम्पशन फंक्शन। देखो, जो हमारी इनकम होती है, जो हमारी क्या होती है, इनकम होती है, उसको हम आइदर क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं और आइदर क्या करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, इनकम को हम क्या कर रहे हैं, आइदर कंज्यूम करेंगे और आइदर क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो हमारे क्या है, हम दो फंक्शन पढ़ेंगे, एक है हमारा कंजम्पशन फंक्शन और एक होता है हमारा सेविंग फंक्शन। जो कंजम्पशन फंक्शन है वो हमारा आज का टॉपिक होगा और जो सेविंग फंक्शन है वो हम कल स्टडी करेंगे। देखो, कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या होता है, जो फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, सी के बीच में और वाई के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, जो सी और वाई के बीच में क्या बता रहा है, फंक्शनल क्या बता रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है। यानी कि इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी क्या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा या फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होगा, ये सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो देखो, यहाँ पर इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे। देखो, शेड्यूल में क्या होता है, देखो अगर आपकी इनकम जीरो है, इनकम क्या है, जीरो है, तो कंजम्पशन कितने है, आप कितना खर्चा कर रहे हो, 20। देखो, इनकम जीरो है फिर भी आप कुछ ना कुछ क्या कर रहे हो, एक्सपेंडिचर कर चल रहे हो। क्यों कर रहे हो, ये हमारा क्या है, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। हमें कुछ ना कुछ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन तो करना ही पड़ेगा, फॉर आर सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए हमें कुछ ना कुछ खर्चा करना ही पड़ेगा, भले ही चाहे हमारी इनकम क्या है, जीरो। अब देखो, इनकम क्या हो गई है, 50 से क्या हो गई, बढ़ गई। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी 20 से कितना हो गया, 60 हो गया। फिर से इनकम 50 से 100 हो गई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हो गया, 60 से 100 हो गया। ये 100 से 150 हुआ तो ये 100 से 140 हो गया। यानी कि यहाँ देखो, ये 50 है तो ये कितनी है, 60 है। यहाँ पर हमारी क्या है, इनकम कम है और कंजम्पशन क्या है, ज्यादा है। और ये भी 100 है तो ये भी 100 है, तो इनकम हमारी कंजम्पशन के क्या है, इक्वल है। इसमें देखो, ये 150 है तो ये कितनी है, 140। यानी कि यहाँ पर इनकम तो कम है और कंजम्पशन क्या है, सॉरी, इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन क्या है, कम है। ठीक है, और देखो आपने ये चीज भी देखनी है, जो हमारी इनकम है वो कितने से बढ़ रही है, 50-50 से बढ़ रही है, और जो हमारी कंजम्पशन है वो हमारी कितने से बढ़ रही है, 40 से बढ़ रही है। 20 से 60 हुई, कितने से बढ़ी, 40 से, 60 से 100 हुई, 40 से इंक्रीज हुई है। यानी कि जो इनकम का इंक्रीज होगा वो ज्यादा होगा कंजम्पशन के इंक्रीज से। क्यों, क्योंकि कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, पार्ट है किसका, इनकम का। ठीक है, जो कि इनकम होती है वो किसके इक्वल होती है, सी प्लस एस के इक्वल होती है। तो रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम होएगा वो ज्यादा होएगा हमेशा रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन से। ठीक है, तो देखो अगर क्या होगा, अब हम बनाते हैं इसका डायग्राम। डायग्राम देखो किस तरह बनेगा हमारा इसका, या लिखेंगे ओ एक्स एक्सिस या ओ वाई एक्सिस, यहाँ पर आएगा इनकम और यहाँ पर आएगा हमारा कंजम्पशन। देखो, हम मैंने कल आपको बताया था, जो इनकम है वो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और ये 45 पे लेकर जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लेकर जानी है ये आपने। ठीक है, और कंजम्पशन हमारी जीरो से स्टार्ट नहीं होगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, कंजम्पशन हो जाएगी। एट पॉइंट ई वाई किसके इक्वल है, सी के क्या है, इक्वल है। इससे ऊपर वाले पॉइंट में देखें तो देखो वाई सी बड़ा है वाई से, और इसके आगे देखें तो वाई क्या है, बड़ा है सी से। देखो अब कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं 1-1 मार्क्स में, वो हमें क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, जब इनकम और कंजम्पशन क्या होंगे, इक्वल होंगे। एट पॉइंट ई पे इनकम और कंजम्पशन क्या है,
इक्वल है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अब देखो हमारा क्या है, जब देखो इनकम क्या है, जीरो है, तो हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन तो है ही हमारी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब इनकम जीरो होती है तो कुछ ना कुछ हमारा मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, ये देखो इनकम यहाँ जीरो है, फिर भी यहाँ पर ओएम या फिर यहाँ 20 ले लो, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, यहाँ जीरो है तो ये 20 है, तो फिर भी हमारा मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन कुछ ना कुछ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ध्यान से पढ़ना ये टॉपिक, 1 मार्क्स में आ जाता है, व्हाट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब देखो हमारा जो सी है वो क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंट रेट से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखो 40-40 से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो हमारा ये जो सी है वो क्या, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है यहाँ पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब सी हमारी क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, और जो सी होता है कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करता है, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। ये भी 1 मार्क्स में आ जाता है, व्हाट इज लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, तो हमने ये लिखना है, when C is a straight line and C increases at a constant rate with the increase in their income, then it is called linear consumption function. तो देखो इस डायग्राम में एट पॉइंट ई पे y किसके इक्वल है, C के क्या है, इक्वल है, बिफोर पॉइंट ई पे क्या है, C is greater than y. देखो अब consumption ज्यादा है इनकम से, आपकी इनकम तो कम है और consumption ज्यादा है, क्या आप सेविंग कर रहे होगे, तो उस टाइम पे आपकी जो सेविंग होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेक्स्ट देखो एट पॉइंट ई पे इनकम और कंजम्पशन क्या है, इक्वल है, जितना कमा रहे हो उतना ही क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, तो इस पॉइंट पे सेविंग क्या होगी आपकी, जीरो। आफ्टर ई पॉइंट देखिए इनकम ज्यादा है कंजम्पशन से, ठीक है, आप कमा ज्यादा रहे हो, खर्च कम कर रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है जो आपकी सेविंग है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर है सबको। अब हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है एमपीसी। एमपीसी देखो इसमें क्या होता है, एमपीसी का मीनिंग, एमपीसी की फुल फॉर्म होती है हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मीनिंग क्या होता है हमारा, इसका जो फॉर्मूला लेकर चलते हैं एमपीसी का वो हम लेकर चलते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि इनकम का एडिशन, जैसे जैसे इनकम में एडिशन हो रहा है उसका कुछ पार्ट किसमें चला जा रहा है, कंजम्पशन में चला जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, इसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा मींस चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, इनकम के चेंज हो जाने से हमारे कंजम्पशन में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको हम एमपीसी बोलेंगे। अब आती है हमारी सी की इक्वेशन। देखो इसके कुछ आपके न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, तो देखो हमारी सी की इक्वेशन होती है, सी हमारे किसके इक्वल होता है, जो कंजम्पशन फंक्शन होता है वो हमारा इक्वल होता है सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, सी बार प्लस बी वाई, जो सी बार है वो तो होता है हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन अभी मैंने बताया, जब इनकम जीरो है आप कुछ नहीं कमा रहे फिर भी आप क्या कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन, सी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। जो बी होता है वो होता है हमारा एमपीसी के इक्वल, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इनटू में क्या हो जाएगा, इनकम। तो ये थी हमारी सी की इक्वेशन। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, इस टॉपिक को अच्छे से करना है, कल हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे सेविंग फंक्शन कौन सा होता है। आपको कोई भी इस टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे राइट कर देना। ओके, थैंक यू एवरीवन।